बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। हजारों लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही वाकया आजादी के पहले सन 1946 में हुआ। बांग्लादेश के नोआखाली क्षेत्र में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे थे। ऐसे में मानवतावादी अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नोआखाली पहुंचे। वे वहां 4 महीने तक रहे और लोगों को हिंसा से रोका। इसके कारण लाखों लोगों का जीवन बचा। हुआ यह था कि सन 1946 में जिन्ना ने घोषणा करी, डायरेक्ट एक्शन की, ऐलान कर दिया और कत्ले आम शुरू हो गया। नोआखेली में जमींदार के खिलाफ राजनीतिक रूप से आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो धार्मिक रंग सांप्रदायिक रंग ले चुका था। महात्मा गांधी वहां घूमे, उन्होंने वहां की स्थिति का वर्णन इस तरह से किया है। नोआखाली एक शमशान भूमि है जहां हजारों बेकसूर लोगों की समाधियां हैं। ऐसी जगहों पर चप्पल पहनना मृत आत्माओं के प्रति अपमान है। वे बिना चप्पल पहने 4 माह तक घूमे। एक जहरीले कीड़े ने उनको काट लिया, पैरों में फफोले पड़ गए, पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से सांप्रदायिक हिंसा को रोक दिया। 78 साल के गांधी वहां पर अपनी टीम के साथ में रहे। रात के समय लोग उनके ठहरने के स्थान को घेर लेते थे, उन्हें मार देना चाहते थे, उन्हें भगा देना चाहते थे, लेकिन गांधी ने सब कुछ सहन करते हुए भी उस क्षेत्र में अहिंसा स्थापित करी। अगर आज वे होते तो निश्चित रूप से वापस बांग्लादेश जाते और लोगों का जीवन बचाते।